आज मैं लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो YouTube पर नहीं है, यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेट बैक टू क्या है, या डेट्स बैक टू क्या है, या डेटेड बैक टू क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। डेट बैक टू का यूज हम तब करते हैं जब आपको कहना हो कोई चीज इतने वक्त से है, या किसी चीज का वजूद इतने टाइम से है। जैसे अगर आपको कहना हो कि यह घर 1947 का है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस हाउस डेट्स बैक टू 1947, यानी ये घर 1947 का है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस में मैंने बताया कि इस घर का वजूद या अस्तित्व कितने समय से है, यानी 1947 से है। यह मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में आप डेट बैक टू या डेट्स बैक टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई यू दे वी यानी प्लूरल है तो आप कहेंगे डेट बैक टू, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो आप कहेंगे डेट्स बैक टू, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप कहेंगे डेटेड बैक टू। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि यह कॉलेज अंग्रेज शासन का है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस कॉलेज डेट्स बैक टू ब्रिटिश रूल, यानी यह कॉलेज अंग्रेज शासन का है। अगर आपको कहना हो कि यह ब्रिज 1980 का है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस ब्रिज डेट्स बैक टू 1980, यानी यह पुल 1980 का है। बाय द वे, अगर आपको कहना हो कि यह पुल 1980 का था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस ब्रिज डेटेड बैक टू 1980, यानी यह ब्रिज 1980 का था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो आप कहेंगे डेटेड बैक टू। यह किला 1850 का है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फोर्ट डेट्स बैक टू 1850, यानी यह किला 1850 से है। अगर आपको कहना हो कि यह किला 1850 से था, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फोर्ट डेटेड बैक टू 1850, यानी यह किला 1850 से था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जब आपको कहना हो कोई चीज इतने दिन से वजूद में है या इतने दिन से अस्तित्व में है, तो आप कहेंगे डेट बैक टू या डेट्स बैक टू, और अगर आपको कहना हो कोई चीज इतने दिन से वजूद में था या अस्तित्व में था को बोलने के लिए आप कहेंगे डेटेड बैक टू। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां सीखेंगे आप एक कंप्लीट लर्निंग। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।